जय जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश अर्थात रिद्धि सिद्धि के दाता और समस्त कार्य के भाग्य विधाता, विघ्नहर्ता, निर्विघ्न हर कार्य को करने वाला, ऐसी अद्भुत और महाशक्ति भगवान गणेश के में है। इसलिए सबसे पहले संसार में इसकी पूजा की जाती है। तो आपको भगवान गणेश अर्थात प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या क्रिया, क्या उपाय, क्या प्रयोग करना होगा जिससे कि डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से इनका आशीर्वाद आपको मिले। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास कार्य करता है या किसी के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसे खुशी मिलती है, तो मालिक जो है उस अपने नौकर को या फिर अपने उस आदमी के लिए विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि रखता है। तो ऐसा ही प्रयोग होता है कि जब आप भगवान अर्थात गणेश जी के लिए कुछ विशेष क्रिया कर्म करेंगे जो निश्चित तौर पर उसे बहुत प्रिय है, तो उस प्रिय कर्म के कारण वह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, खुश भी हो जाएगा और जो चाहोगे। अब जाहिर सी बात है, रिद्धि सिद्धि हर चीज का दाता है भगवान गणेश जी। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य या फिर कोई भी वस्तु नहीं होगा जो आपके लिए दुर्लभ हो अर्थात अप्राप्त हो। बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। तो करना क्या है, गणेश पक्ष के कोई भी दो दिन, और खास तौर से अगर आपसे संभव हो तो बुधवार और गुरुवार के दिन को निश्चित कर लीजिए। बुधवार गुरुवार के दिन इस क्रिया को निरंतर में करना। भगवान गणेश जी तो वैसे हर जगह विराजित है, हर जगह उनका स्वरूप है, हर कण में है, लेकिन जहाँ पे विधिवत रूप से स्थापित है ऐसे मंदिर में जाना है और आपको कुछ सामग्री लेकर के जाना है। सामग्री तो आप लेंगे बाहरी तत्व, लेकिन आपको आपके अंदर जो भाव तत्व है उसमें भी संपूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर। एक भक्ति की भाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। देखिए, सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो किसी भी क्रिया के लिए है, कोई भी कर्म हो, भाव का होना अनिवार्य है। जिस तरह से भाव उसमें रहेगा उसी प्रकार से फल उसका प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं जब कोई भी भगवान को स्तुति करें, अगर उसे आप बुलाए, आह्वान करें, तो उसके लिए भक्ति की, श्रद्धा की भावना जरूर होना चाहिए, समर्पण के भाव के साथ उसके आह्वान करना चाहिए। तो सामग्री आपको लेनी है, अगरबत्ती, पीले रंग का गेंदे का फूल होता है वो, नारियल ले लीजिए, और जो भी चाहते हैं आप, जो भी चाहते हैं उसके साथ दुबी लेना है। अब जो चाहते हैं उसे कागज में लिख लीजिए, आप मार्कर ले लीजिए, कोरे कागज में अपनी विश को लिखिए, चाहे शादी, पैसा, नौकरी, घर परिवार, कुछ भी चाहते हैं, और उसे नारियल के साथ भगवान गणेश जी के मंदिर में छोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए, उसे स्मरण करके दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपके छोटे से इस क्रिया ने, इस छोटे से भाव ने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर देगा कि आपको यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपका कार्य कैसे और कहां से सिद्ध होगा, बस कारण बन जाएगा कहीं से भी सिद्ध होने का। इसे लेकिन निरंतर में दो दिन करें, संभव हो तो बुधवार गुरुवार को, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी भी कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं है तो विधि को संपूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से जान सकते हैं, नंबर है। जय जय माता दी मित्रों।